हेलो एवरीवन, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 20 में किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 to 20, क्वेश्चन नंबर 6 के अलावा, 16 के अलावा, क्वेश्चन नंबर 16 और किसी का कोई डाउट हो तो जल्दी से लिखो, फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी में किया था महक, लास्ट क्लास में सेम क्वेश्चन किया था कि नहीं, जहां पे ए और बी निकाला था, सेम वही क्वेश्चन है। कर पाओगे? फिर से कोई भी दो साबी वैल्यू, ये जो वाई जी एक्स लिखा हुआ हमारा, यही हमारा क्या है, वाई इक्वल टू तो अल्फा एक्स प्लस बीटा लिखा हुआ है ना। इधर जो आपके पास फंक्शन में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, कौन कौन सा पॉइंट्स है, 1,1, 2,3 है ना, और क्या है, 3,5,4,7, 3,4,5,4,7 है ना। इसमें से कोई सा भी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो। जैसे मान लो पहला वाला पुट कर देते हैं तो वाई वन हो गया, अल्फा प्लस बीटा ये हो गया है ना। कोई दूसरा वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, वाई की वैल्यू 3 है और एक्स की वैल्यू 2 है, तो ये बीटा। लास्ट क्लास में सेम क्वेश्चन किया था, महक याद आया, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इक्वेशन से अल्फा और बीटा सॉल्व करना है। सॉल्व कर पाओगे? सॉल्व कर पाओगे? हाँ। और किसी क्वेश्चन में डाउट? और किसी क्वेश्चन में डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 to 20 में और किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अप टू 20 तक और कोई डाउट? ट्वेंटी का सेकेंड, 20 का सेकेंड, 20 के सेकेंड में क्या बोल रहा है, 20 का फर्स्ट हो गया, 20 का जैसा फर्स्ट है वैसा ही तो सेकेंड ही है। एफ एक्स हमें दिया हुआ है, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन है ना, और हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, एफ ऑफ माइनस वन बाय एक्स कैलकुलेट करने के लिए बोला है। सेम ही चीज तो, दोनों क्वेश्चन तो सेम ही है ना। तो देखो एक्स की जगह पे मैंने क्या रिप्लेस किया है, एक्स की जगह पे मैंने क्या रिप्लेस किया, दिख रहा सब हो गया। यहाँ पे देखो जो एक्स था इस वाले फंक्शन में हमने क्या रिप्लेस किया, एक्स को माइनस वन बाय एक्स, यानी इस वाले फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां पे सब पे हमें क्या पुट करना है, माइनस वन बाय एक्स। तो देखो एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो माइनस वन बाय एक्स, और ये माइनस वन है तो इसको सेम रहने देंगे। नीचे वाले में देखो एक्स है तो उसके जगह पे फिर से माइनस एक्स पुट करेंगे, और बस इसे आपको सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करोगे देखो क्या आ रहा है, ऊपर से देखो माइनस कॉमन आ जाएगा और एक्स प्लस वन ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और नीचे देखो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन हो जाएगा, ऊपर नीचे से एक्स का टर्म कैंसिल हो जाएगा। कर लोगे? और ये देखो एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, यही टर्म देखो एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, इसको अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो यही सेम ही चीज तो लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है, माइनस वन बाई एफ एक्स लिखा हुआ है। बस यही तो प्रूफ करना था। कर पाएंगे? ठीक है, फंक्शन में देखो कि कौन सी वैल्यू को क्या रिप्लेस किया है, बस उसकी वैल्यू कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों सेम है, 20 का फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन है, 1 बाय x डालोगे तो फिर से सेम आएगा और माइनस 1 बाय x पुट करोगे तो ये आएगा। अप टू 20 और कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? अप टू 20 किसी क्वेश्चन में डाउट? बाकी लोगों को और कोई डाउट नहीं है? नहीं है किसी को डाउट? आगे बढ़े? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको ये शीट कंप्लीट करना है, ठीक है, 20 तक हो चुका है, उसके बाद बाकी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, कल संडे भी है ना, तो 15 क्वेश्चन और है, ठीक है, ट्राई करना, देखो कहां तक होता है, उसके बाद उसी हिसाब से हम लोग डिसीजन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ट्राई करना आगे,
ट्राई करना कि इसको हम कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं फिर ट्रिगोनोमेट्री वाले पार्ट पे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि एंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। लास्ट क्लास में हम लोग एंगल्स देख रहे थे, और एंगल्स में क्या होता है, एंगल्स को मेजर करने के हमारे पास दो तरीके होता है। एक कौन सा होता है, डिग्री वाला, और एक क्या होता है, एक रेडियन, ठीक है। इस टाइप से दो टाइप का मेजरमेंट का तरीका हमारे पास है, रेडियन एंड डिग्री में, ठीक है। अब डिग्री के लिए रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से लिखते हैं, इस टाइप से उसके पावर में कोई टर्म लिखा रहता है ना, जैसे 30 डिग्री लिखा हुआ है ना, जिसको हम कैसे पढ़ेंगे, 30 डिग्री, है ना। और रेडियन में कैसे लिखा होगा, रेडियन में बस ये नंबर लिखा रहता है 30, या तो 30 लिखा रहेगा या फिर इसके ऊपर में कभी कभी कहीं कहीं पे आर भी लिखा रहता है, रेडियन के लिए आर वर्ड भी यूज होता है, या नहीं तो कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, रेडियन में। तो बस आप ये समझो कि अगर ये डिग्री का सिंबल है, अगर ये डिग्री का सिंबल है तो वो क्या कहलाएगा, डिग्री में कहलाएगा, और अगर डिग्री का सिंबल नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट किस में चला जाएगा, रेडियन में, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डिग्री और रेडियन किस तरीके से आपस में रिलेटेड होते हैं, है ना। लास्ट क्लास में हमने इस चीज को डिस्कस किया था, है ना। तो रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है, 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन, याद है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। और यही चीज हमने यूज किया था डिग्री से रिलेशन में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। तो रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। तो अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना है और या रेडियन से डिग्री में जाना है तो हमें यही रिलेशनशिप यूज करना है, ठीक है। और लास्ट क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, है ना, जिसमें आपको मैंने डिग्री कैलकुलेट करने के लिए, डिग्री था उसे रेडियन में कन्वर्ट करना था, है ना। तो जैसे वो सब क्वेश्चन आए हो आपने कर लिया होगा। तो देखो, अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, है ना, देखो, टू कन्वर्ट फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई दी, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई दी डिग्री, मल्टीप्लाई दी डिग्री बाय पाई बाय 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर आपको कोई डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, अगर हमें कोई मान लो एक्स डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, एक्स डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, ये मान लो हमारे पास एक्स डिग्री है और इसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मान लो ये एक्स डिग्री है, एंगल हमारे पास क्या है, एक्स डिग्री है, तो इसको जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा, एक्स इंटू पाई बाई 180, क्लियर है, ये हमारा किस में हो गया, रेडियन में, इजी है। तो लास्ट क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन दिए थे उन सब में हमें बस यही करना था, जो भी आपके पास डिग्री वाला एंगल है उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो, और फिर जितना आप कैलकुलेशन कर सकते हो वो करो, ठीक है। पाई को चेंज मत करना, पाई की वैल्यू पाई ही रहने देना, तो सारा आंसर हमारा पाई के टर्म्स में ही निकलेगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने ये कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको करने के लिए, तो ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। डिग्री में ही, तो एंगल डिग्री में ही थोड़ा सा और देख लेते हैं, जो डिग्री हमारा मेजरमेंट का तरीका है ना, डिग्री जो हमारा मेजरमेंट का तरीका है, तो एक तो हम 1 डिग्री मेजर कर ही सकते हैं, है कि नहीं। जैसे आवर के टर्म्स में सोचो कि अगर हमारे पास 1 आवर है ना, तो अगर आपके पास 1 आवर है और अगर आपको 1 आवर से कुछ कम टाइम मेजर करना है तो हम किस में मेजर करते हैं, फिर आवर में मेजर नहीं करके हम मिनट्स में मेजर करने लगते हैं, है कि नहीं। और अगर 1 मिनट से भी कुछ कम टाइम होगा तो उसको हम फिर से किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में मेजर करते हैं, है ना। तो वैसे ही सोचो कि अगर आपके पास डिग्री का कोई टर्म 1 डिग्री से कम होगा, है ना, तो 1 डिग्री से अगर कम होगा तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे,
है ना, तो यहां पे भी सेम चीज होता है ना, डिग्री से छोटा क्वांटिटी क्या होता है ना, ये एंगल मेजरमेंट का ही तरीका है, डिग्री से छोटा क्वांटिटी सेम टाइम की तरह मूव करता है ये भी, है ना। किस में मेजर करते हैं हम, मिनट्स में मेजर करते हैं, है ना, और मिनट से भी छोटा क्या होता है क्वांटिटी, सेकेंड्स, ठीक है। तो ये सब एंगल मेजरमेंट का ही तरीका है, ठीक है, ये एंगल मेजरमेंट के लिए ही हम मिनट्स भी यूज करते हैं और सेकेंड्स भी यूज करते हैं, ठीक है। टाइम के लिए भी आपका मिनट्स और सेकेंड यूज होता है, और यहां एंगल के लिए भी हम ये चीज मेजर करते हैं, ठीक है। यहां पे सिंबल्स के बारे में अगर हम ध्यान देंगे तो डिग्री के लिए जो हमारे पास सिंबल है ये तो आपको पता है, डिग्री के लिए हम इस तरीके से मान लो हमारे पास एक्स डिग्री है, ठीक है, तो डिग्री के लिए हम इस तरीके से ऊपर में डिग्री का सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। मिनट्स के लिए हम क्या करते हैं, मिनट्स के लिए हम यहां पे एक डैश को यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं पे डैश लिखा हुआ है तो डैश का मतलब क्या हो गया, वाई मिनट्स, ठीक है। और सेकेंड्स के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, डबल डैश, मान लो जेड है हमारे पास तो जेड डबल डैश, ठीक है। तो अब हमें यह देखना है कि जैसे डिग्री, मिनट्स और सेकेंड में क्या रिलेशन होता है, तो जैसे आपका टाइम का रिलेशन होता है सेम उसी टाइप से यहां पे भी रिलेशन होता है, ठीक है। तो देखो वन डिग्री में कितने मिनट्स होंगे, वन डिग्री में 60 मिनट्स, मिनट्स के लिए हम ये डैश का सिंबल यूज कर रहे हैं, ठीक है। और वन मिनट्स में कितने सेकेंड होंगे, 60 सेकेंड होंगे, है ना। तो जैसे आप टाइम का मेजरमेंट करते हो सेम उसी टाइप का मेजरमेंट एंगल के टर्म्स में भी यहां पे होता है, ठीक है। तो ये बाकी सारा टर्म्स है कि नहीं। अब अगर कोई आपको ये बोलता है, ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि अगर हमें डेसिमल में कोई नंबर देता है इसका मतलब वो मिनट्स और डिग्री में जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि 1.2 डिग्री में कितना मिनट और कितना सेकेंड होगा, बता सकते हो क्या, 1.2 डिग्री में अगर आपको इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो आप बता सकते हो ये कितना मिनट होगा, क्या आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, कन्वर्ट इनटू मिनट्स, बताओ इसका क्या होगा आंसर, 1.2 डिग्री कितने मिनट्स के इक्वल होगा, 1.2 डिग्री कितने मिनट्स के इक्वल होगा, क्या बता पाओगे, समझ में आ रहा है ना। तो देखो कैसे करेंगे, हमें यह पता है कि 1.2 डिग्री मतलब क्या हो गया, 1 डिग्री और 0.2 डिग्री, है कि नहीं, 0.2 डिग्री। शायद आसिफ 80 कैसे होगा, देखो तो 0.2 डिग्री है ना, अगर आप जैसे आपके पास मान लो कोई बोलता है 1.5 रुपीज है, ठीक है, तो 1.5 रुपीज को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 0.5 रुपीज, है कि नहीं। अगर आपको ये याद है कि 1.5 रुपीज में कितने पैसे होंगे बता सकते हो, 1.5 रुपीज में कितने पैसे होंगे बता पाओगे, 1.2 रुपीज में कितने पैसे होंगे बता सकते हो, इसको हम कैसे करते हैं, 1 रुपीज + 0.5 रुपीज, याद है। और 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसा, याद है। तो इसको तो मैं 100 लिख दूंगा यहां पे, इसको तो मैं क्या लिख दूंगा, 100 लिख देंगे। और 0.5 रुपीज में कितने पैसे होंगे, 0.5 रुपीज में 50 पैसा होगा, है ना। तो ये 100 पैसा और 50 पैसा, अब हम इन दोनों को एड कर सकते हैं, तो कितना हो गया, 150 पैसा, क्लियर है। सेम इसी टाइप का कैलकुलेशन हम यहां पे भी करेंगे, तो यहां पे देखो 1.2 डिग्री लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 डिग्री + 0.2 डिग्री, क्लियर है। और 1 डिग्री में हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, मिनट्स में कन्वर्ट करना है ना। तो 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, है ना। तो देखो 1 डिग्री में कितना हो गया, 60 मिनट्स हो गया। और 0.2 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे, तो 1 डिग्री में हमारे पास कितना है, 60 मिनट है, तो 0.2 डिग्री में क्या करना होगा, इसे हमें इसे 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो ये कंप्लीट हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में, सॉरी, है ना। तो अब देखो यहां पर सॉल्व करोगे तो कितना होगा,
60 प्लस 12 कितना हो गया 72 मिनट्स। क्लियर है? फकरुद्दीन महक सही है, शायद समझ में आ गया। 80 नहीं होगा, डायरेक्टली ऐड नहीं करना है, है ना? तो आपको समझ में आ रहा है कि मिनट्स में कैसे कन्वर्जन हो रहा है, कर सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसको कन्वर्ट करके बताओ, एक और क्वेश्चन करके बताओ। 90.75 डिग्री, 19.75 डिग्री कन्वर्ट करो मिनट्स में, 19.75 डिग्री कन्वर्ट करो मिनट्स में, कन्वर्ट करो 30.15 डिग्री मिनट्स में कन्वर्ट करो, है ना? इस तीनों क्वेश्चन को मिनट्स में कन्वर्ट करना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू सेकेंड्स, ठीक है। पहला है हमारे पास, 2 मिनट्स, 2 मिनट्स को हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करो पहला वाला, सेकेंड वाले का आंसर बताओ कितना होगा। सेकेंड में, थर्ड में, आपके पास 2.5 डिग्री को आपको, 2.5 डिग्री को आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना है, सेकेंड में कन्वर्ट करना है, है ना? बताओ जल्दी से सेकेंड का क्या होगा आंसर। 19.75 कितना होगा, 19.75 क्या होगा, 19.75 तो क्या करेंगे, पहले 19 तो हमें दिया हुआ है, ठीक है, 19 तो हमें दिया हुआ है, करो जल्दी से। कितना आ रहा है, 5540। देखो पहले क्या करेंगे, 19.75 को करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 19 डिग्री इसको हम क्या लिखेंगे, 19 डिग्री प्लस 0.75 डिग्री, है ना? 19 डिग्री में कितने मिनट होंगे, तो 19 × 60 कितना होगा, 5400 मिनट्स। और 0.75 में कितना हो जाएगा, तो 0.75 × 60 तो कितना हो गया, ये देखो 100 और ये 15, ये कितना हो जाएगा 75, तो कितना आ जाएगा 5475। चेक करो, सॉरी 5445 सही है, 5445 सही है। महक, शायद, फकरुद्दीन, शफीकुल सही है। थर्ड का करो, समझ में आ रहा है ना? तो जब मिनट्स लिखोगे तो यहां पे एक डैश का सिंबल यूज करेंगे, है ना? तो ये सब आपको ऑलरेडी, ये सब सिंपल कैलकुलेशन है, है ना? ये सब आपको करना आना चाहिए और आपको पता होगा। निकालो कितना होगा, थर्ड का बताओ। थर्ड में फिर से क्या करेंगे, 30 है तो 30 को हमें पहले क्या करना होगा, 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, समझ में आ रहा है? तो पहले एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करो, तो 30 × 60 कितना हो गया 1800, है ना? और 0.15 को हम 60 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? तो कितना हो गया 1809 सही है। तो ये कितना हो गया 1809 मिनट्स, सबका आ रहा है। वैसे ही आपको अब इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है? इसको अब ये, इन दोनों क्वेश्चन को आपको सेकेंड्स में कन्वर्ट करके बताना है। सेकेंड में कन्वर्ट करके बताओ, सेकेंड्स में कन्वर्ट करके बताओ,
सेकेंड में कन्वर्ट करके बताओ। सेकेंड्स में कन्वर्ट करके बताओ। क्या होगा टू मिनट्स में कितना सेकेंड हो जाएगा? टू मिनट्स में कितना सेकेंड हो जाएगा? टू मिनट्स में कितना सेकेंड होगा? है ना? क्या करना होगा हमें इसे सेकेंड में कन्वर्ट करना है। फकरुद्दीन 7200 कैसे होगा? ये ऑलरेडी मिनट में है, हमें इसे सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो एक ही बार तो मल्टीप्लाई करना होगा। एक मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड होता है, तो टू मिनट में कितना होगा? टू मिनट में कितना होगा? टू इंटू 60 कितना होगा? 120। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा ये 120 सेकेंड्स। 2.5 डिग्री में कितने मिनट कितने सेकेंड्स होंगे? 2.5 डिग्री में कितने सेकेंड्स होंगे बताओ, है ना? 2.5 डिग्री मतलब पहले 2 डिग्री है प्लस 0.5 डिग्री है ना? तो मतलब क्या करना होगा हमें, इसे भी पहले सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, है ना? तो सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मिनट्स में, है ना? इसको भी मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर मिनट्स से फिर दोनों को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, है कि ना? सिंपल सा लॉजिक है। तो 2 डिग्री में कितना मिनट्स होगा? 120 मिनट्स, है ना? 0.5 डिग्री में कितना मिनट्स होगा? 30 मिनट्स। क्लियर है? और दोनों को ऐड कर दोगे तो ये टोटल कितना हो गया आपका, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना हो गया? 150 मिनट्स, है ना? और 150 मिनट्स में कितना सेकेंड होगा? तो 150 × 60, है ना? तो कितना आ जाएगा? 9000 सेकेंड। क्लियर है? सही है। अब आपको इसको ये जो क्वांटिटी दिया हुआ इसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करके बताना है। बताओ ये डिग्री में कितना होगा? 30 सेकेंड को अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, है ना? तो 30 सेकेंड को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना होगा, इसे हमें डिवाइड करना होगा। समझ में आ रहा क्या है ना? क्या करना होगा हमें, इसे डिवाइड करना होगा, है ना? तो हमें ये पता है, हमें ये रिलेशन पता है कि 1 डिग्री में क्या होता है, 1 मिनट में। देखो हमें पहले डिग्री में जाना है, तो डिग्री में जाने से पहले हमें कहां पर जाना पड़ेगा? मिनट्स में, है ना? तो 30 सेकेंड में कितने मिनट होंगे, याद है आपको? तो क्या करना होगा इसको, हमारे पास रिलेशन क्या है, 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट, है ना? तो 30 सेकेंड में कितना हो जाएगा? हाफ मिनट, है कि नहीं? और 0.5 मिनट्स लिख सकते हो, है ना? और 0.5 मिनट्स को फिर से हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा, 60 से फिर से डिवाइड करना होगा, है ना? यहां से यहां हम कैसे पहुंचे, डिवाइडेड बाय 60, है ना? डिवाइड बाय 60, और एक और बार हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 60 करना होगा। तो कितना हो जाएगा, 0.5 डिवाइडेड बाय 60, है ना? तो चेक करो कितना आ रहा है, इसको अगर नीचे कर दोगे 120, है ना? तो देखो 1 बाय 120 डिग्री, देखो ऐसा कुछ आ रहा है, 1 बाय 120 डिग्री। डेसिमल में कैलकुलेट कर लेना कितना रहा है सबका, देखो ये आ रहा है क्या, 1 बाय 120 डिग्री, है ना? तो बेसिकली हमें करना क्या है, पहले 30 को मिनट में कन्वर्ट किया और फिर से इसको डिग्री में कन्वर्ट किया, है ना? तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है? ये ऑलरेडी मिनट में दिया हुआ है तो इसको बस डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो एक ही बार 60 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, है ना? तो ये आपका डिग्री हो गया। सही है हफीजुल, सही है, समझ में आ गया सबको? देखो मैंने दोनों कन्वर्ट किया, है ना? तो आपको डिग्री के अंदर में ही कितना कन्वर्जन है मिनट और सेकेंड में वो आपको पता होना चाहिए, है ना?
ताकि आप क्या कर सको कि अगर आपको डिग्री उसने मान लो कुछ छोटा एंगल मेजर कर लिया है तो वो आंसर आपको डिग्री में नहीं देगा, किस में देगा, मिनट या सेकंड में देगा। तो हमें उस हिसाब से कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां के बाद आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू रेडियन, ठीक है। अब आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 45 सेकेंड, ठीक है। 45 सेकेंड में कितना रेडियन होगा ये आपको बताना है ना। 45 सेकेंड में कितना रेडियन होगा वो आपको बताना है। आप बस कॉपी में सॉल्व करो, ठीक है, और मैं फिर यहां पे आंसर लिखूंगा, आप उससे मैच करा के देखना कि मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि एक्सप्रेशन थोड़ा सा लेंदी होगा तो इसलिए हम उस वाले पार्ट में आपको टाइप करने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो मैं इसका आंसर अभी लिखूंगा, आप लोग पहले सॉल्व करो और देखो कि जो मैं आंसर लिख रहा हूं उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। आप चेक करना, मैं यहां पे सॉल्व करके आपको लिख के बताऊंगा कि कितना क्या होता है, ठीक है। 20 degree 5 minutes और फोर्थ में 10 degree 10 minutes 10 seconds, ठीक है। देखो पहला वाला, देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप आंसर मैच कराओ और देखो कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो डायरेक्टली आप सेकेंड से रेडियन में नहीं जा पाएंगे, है ना, क्योंकि हमें सेकेंड से पहले कहां जाना पड़ेगा, ठीक है। देखो इस तरीके का रिलेशन बन रहा है, पहले सेकेंड है, फिर मिनट है, फिर डिग्री है और इसके बाद रेडियन है, ठीक ना। तो इसी ऑर्डर में जाना, आप देखो कि आप कहां पे खड़े हो, आप अभी हम कहां पे हैं, इस सेकेंड वाले पार्ट पे हैं। तो सेकेंड से पहले हमें मिनट में जाना पड़ेगा, फिर मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और डिग्री से फिर हम रेडियन में जाएंगे, क्लियर है। तो देखो 45 को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 45/60 मिनट, क्लियर है। और इसको अगर मैं फिर से डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या, ये समझ में आया सबको, ये कितना हो गया 45, ये मैंने इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मैं इसको अब डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूं तो क्या करना होगा, 1 और 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में, क्लियर है। और मैं यहां तक पहुंच चुका हूं और डिग्री से रेडियन में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, π/180 से डिवाइड करना होता है। देखो सब लोग ये आंसर मैच कर रहा है क्या, ये देखो आंसर मैच कर रहा है क्या, बताओ यहां तक। इसमें आप देख के बताओ कि क्या ये आंसर मैच कर रहा है सबका, ये जो आंसर लिखा हुआ है, बाकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कर लेना। तो ये जो आंसर होगा आपका किसमें होगा, रेडियन में होगा। क्या सब लोग यहां तक पहुंच पाए हो, देखो है ना, कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोग खुद से कर लेना, लेकिन ये वाला पार्ट आपका देखो आपने सेम इसी तरीके से किया है या नहीं किया है, देख के बताओ, देख के बताओ सेम है, देख के बताओ सेम है क्या, कौशिक सेम है, हफीजुल, महक, सफीकुल, बीना, देखो सेम आ रहा है क्या, फकरुद्दीन, शायद, दिया, चेक करो सेम आ रहा है, सही है। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं सेकंड पार्ट पे, सेकंड में देखो 30 मिनट्स दिया हुआ है ना। तो अभी हम कहां पे खड़े हैं, अभी हम खड़े हैं इस वाले मिनट्स वाले पार्ट पे। तो हमें पहले कहां पे जाना पड़ेगा, पहले हमें जाना पड़ेगा सेकंड, मिनट से डिग्री में जाना पड़ेगा, है ना। हमें कहां जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा डिग्री में। तो 30 मिनट से डिग्री में कैसे जाएंगे, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, और एक बार डिग्री में पहुंच गए तो क्या करना होगा, π/180 से मल्टीप्लाई करना होगा। सेकेंड वाला देखो सेम है सबका, सेकेंड वाला समझ में आया क्या किया मैंने, सेकेंड वाला सही है, सेकेंड देखो सेम आ रहा है, ठीक है। सेकेंड में थर्ड में देखो 20 degree 5 minutes दिया हुआ है, ठीक है, सेकेंड में 20 degree 5 minutes दिया हुआ है। हफीजुल आंसर मत लिखो, टाइम लगेगा लिखने में,
है ना। तो बस मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप मैच करा के दिखाना कि सेम आ रहा या नहीं आ रहा, बस वो बताते जाओ, ठीक है। बबीता आंसर मत लिखो, आंसर लिखने में दिक्कत होगा क्योंकि काफी लेंथी कैलकुलेशन होने वाला है, ठीक है। तो मैं उस कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, अभी जस्ट मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि कैसे इसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखो थर्ड वाले में, देखो थर्ड में यहाँ पे 20 डिग्री 5 मिनट्स दिया हुआ है ना, 20 डिग्री 5 मिनट्स दिया हुआ है, तो हमें सबको पहले क्या करना होगा, डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो ये 20 तो ऑलरेडी डिग्री में है ही, बस हम अगर मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट कर पाए तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। तो 5 मिनट्स में कितना डिग्री होगा, 5/60 डिग्री, है कि नहीं। यानी 20 को मैं 20 में 5/60 आपको क्या करना है, ऐड करना है, ताकि ये पूरा टर्म हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया, है ना। और डिग्री से हम रेडियन में इजीली जा सकते हैं, बस हमें 5/180 से मल्टीप्लाई करना है। यहां तक सबको क्लियर है क्या? देखो थर्ड में, देखो सबका सही है, थर्ड में सबका सही है क्या? थर्ड का जो आंसर निकाला सबको समझ में आ रहा है? थर्ड में मैंने क्या किया, सबको क्लियर हो गया? थर्ड में देखो सही है। फोर्थ में देखो मैंने क्या किया, पहले ये मिनट था, है ना, ये मिनट था, मिनट को मैंने सबको पहले एक डिग्री में कन्वर्ट किया, है ना, क्योंकि एक आधा डिग्री में है आधा मिनट में है, तो डायरेक्टली हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जब भी आपके पास इस टाइप से टर्म अलग अलग हो तो आपको क्या करना है, फकरुद्दीन देखो फिर से, यहाँ पे डिग्री और मिनट में दोनों दिया हुआ है ना, यहाँ पे डिग्री और मिनट दोनों दिया हुआ है हमें, तो हम क्या करेंगे, पहले सबको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन का फॉर्मूला पता है, याद होगा आपको, लास्ट क्लास में हमने डिग्री से रेडियन में पहुंचे थे। तो अगर आपके पास दो अलग अलग क्वांटिटी है तो सबको आप कंबाइन करके पहले क्या करो, डिग्री में कन्वर्ट कर लो, है ना। तो ये देखो 20 डिग्री तो ऑलरेडी डिग्री में है, बस ये 5 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम ऐड कर पाएंगे, है ना। अभी आप 20 डिग्री और 5 मिनट्स को ऐड नहीं कर सकते हो, समझ में आ रहा है, अभी आप 20 डिग्री और 5 मिनट्स को ऐड नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्या है, दोनों अलग अलग यूनिट्स में है, तो पहले हमें दोनों को सेम यूनिट बनाना होगा, है ना। तो सेम यूनिट के लिए मैंने क्या किया, 5 मिनट्स को पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, तो 5 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ा, है ना, तो 60 से डिवाइड कर दिया, अब ये भी डिग्री हो गया और ये भी डिग्री है, तो दोनों को डिग्री और डिग्री को हम ऐड कर सकते हैं, है ना। तो देखो डिग्री और डिग्री को ऐड कर दिया तो ये कंप्लीट डिग्री बन गया, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना तो हमें आता है, क्या करेंगे, पाई बाय 180 से डिवाइड कर देंगे। अब क्लियर हुआ फकरुद्दीन, सफीकुल समझ में आ गया, ठीक है। थर्ड वाला देखो आपको और क्लियर होगा, यहां पे देखो डिग्री भी है, मिनट भी है, सेकेंड भी है, तो यहां पे भी हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाएंगे, या डायरेक्टली हम इसको रेडियन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमें सबको पहले क्या करना होगा, डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो यहां पे देखो 10 तो ऑलरेडी डिग्री में ही है, ये जो 10 मिनट्स है ये डिग्री में नहीं है, तो इसको मैं इसके साथ ऐड नहीं कर सकता हूं, है ना। तो इसको ऐड करने के लिए इसको भी क्या होना पड़ेगा, पहले डिग्री में होना पड़ेगा। तो 10 मिनट्स में कितना डिग्री होता है, 10 मिनट्स में 10/60 डिग्री होता है, है ना। तो अब मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं, है ना, डायरेक्टली आप इस 10 और इस 10 को ऐड नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग यूनिट है ना, हम सेम यूनिट को ऐड करते हैं, क्लियर है। आपने 10th में या उसके पहले वाले लेक्चर में ये सब चीजें पढ़ा होगा कि हम सिर्फ सेम यूनिट को ऐड करते हैं, है ना, कभी भी हम 1 आवर और रूपी, आवर और रुपीज को कभी आपने ऐड किया है क्या, नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, क्योंकि वो दोनों क्या है, अलग अलग यूनिट है ना। वैसे ही आप 1 रुपीज और 1/10 पैसे को कभी हम ऐड नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि वो भी क्या है, अलग अलग यूनिट है, तो हम सेम यूनिट को ही ऐड कर पाते हैं। तो यहां पे ये मिनट में था तो हम इसको पहले क्या किया, डिग्री में कन्वर्ट किया, और डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद मैं इसको 10 में ऐड कर सकता हूं। सेम चीज इसके साथ है, इसको हमें डायरेक्टली अगर इसमें ऐड करना है तो मैं डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, सेकेंड में है, तो पहले हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री में। तो सेकेंड को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 3600 से डिवाइड करना पड़ता है। अब देखो ये कंप्लीट क्वांटिटी क्या हो गया, डिग्री में हमारा कन्वर्ट हो गया, और एक बार जब आपके पास डिग्री आ जाए तो आप उसको रेडियन में तो सिंपली कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो
मैं सबको फिर से लिख रहा हूं, वही चीज है, बाकी आप कैलकुलेशन करके लिख लेना। 10/60 × 60 × π/180। फोर्थ क्लियर हुआ सबका? देखो फोर्थ समझ में आ गया, फोर्थ समझ में आया क्या? देखो फोर्थ का सेम आंसर आ रहा सबका, ठीक है। कैलकुलेशन जिन लोगों ने कैलकुलेशन होगा उसका कुछ और आ रहा होगा, लेकिन ये बेसिक स्टेप है, यही स्टेप आपने किया होगा, है ना। तो अगर ये स्टेप आपने किया तो आपका आंसर सही होगा। देख के बताओ फोर्थ का सेम आंसर है क्या, फोर्थ का बताओ सेम आंसर, या किसी को कोई डाउट है? है ना महक, सेम आंसर आ रहा, फकरुद्दीन सेम आंसर है, क्लियर है, ठीक है। तो आपको अब यह समझ में आ रहा है कि कैसे रेडियन डिग्री से रेडियन में जाते हैं, या किसी और भी किसी और एंगल से भी आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो फर्क नहीं पड़ता कि हमें मिनट में दिया हुआ या डिग्री में दिया हुआ या किस में दिया हुआ, आप उसको कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है। अब हम आते हैं रेडियन टू, अब हम आते हैं रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन, ठीक है, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। तो अगर आपको रेडियन दिया हुआ है तो वहां से आप डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये आपको आना चाहिए। तो हमारे पास डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या है, डिग्री और रेडियन में रिलेशन है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, याद है कि नहीं, है ना। तो अब हमें रेडियन से डिग्री में जाना है ना। तो यहां से हम क्या करेंगे, देखो पाई को मैं पहले लिख लूंगा, तो पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के, क्लियर है। तो अब यहां से मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो यहां से देखो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री बाय पाई, है ना। तो अगर आपको जितना रेडियन दिया हुआ उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 180 डिग्री बाय पाई से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को नोट कर लो, आपको समझ में आ रहा होगा, ये टू कन्वर्ट लिख लो, टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री, देन मल्टीप्लाई दी रेडियन बाय 180 डिग्री बाय पाई, है ना। इस फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना, यानी अगर आपके पास मान लो x रेडियन दिया हुआ है ना, अगर हमें किसी ने एंगल ये दिया है, एंगल हमें किसी ने x रेडियन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, x इंटू 180 बाई पाई, ये कंप्लीट अब किसमें कन्वर्ट हो गया, डिग्री में, क्लियर है ना। इसके बेसिस पे आप कन्वर्ट करने का ट्राई करो, है ना। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप कन्वर्ट करके बताओ कि ये कितने डिग्री की बात कर रहा है, ठीक है। कन्वर्ट इंटू डिग्री, ठीक है, डिग्री में कन्वर्ट करके बताओ मुझे कितना होगा। फर्स्ट वाला पाई बाय टू, बताओ कितना डिग्री होगा, 3π/2। थर्ड 3π/4। फोर्थ 5π/12। फिफ्थ 5/6। सेवेंथ 5/3। कन्वर्ट करो जल्दी जल्दी, कितना होगा, कन्वर्ट करो कितना होगा, क्या लिखेंगे, 3π/6 π/7। कन्वर्ट करो जल्दी से, कितना होगा, 5/15 कर लो, है ना, 2π/5। कन्वर्ट करो जल्दी से, 8 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी। पहले का क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, समझ में आ रहा है, इजी है कन्वर्ट करना, बस हमें किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है 180 बाय पाई से, ठीक है, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करो, आपका पूरा आंसर कंप्लीट आता जाएगा। जल्दी जल्दी लिखते जाओ, मैं आंसर लिख रहा हूं, मैच करा के बताना सेम आ रहा है कि नहीं। देखो फर्स्ट का कितना आएगा, 90 डिग्री, सेकंड का क्या आएगा, 270 डिग्री, सेकंड का क्या आएगा, 270 डिग्री,
सही है। थर्ड का बताओ, थर्ड का बताओ। थर्ड का बताओ, हफीजुल 90/π कहां से आ गया? पाई पाई तुम्हारा कैंसिल नहीं हो रहा है हफीजुल, सही करो। देखो कैंसिल नहीं हो रहा है क्या? कैंसिल हो रहा होगा टर्म, पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, थर्ड का देखो सेम आ रहा है। थर्ड का कितना लिखेंगे? 135 डिग्री। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसको जब कन्वर्ट करना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 180/π से। ठीक है, ये देखो 1/2 कैसे होगा, 90 डिग्री नहीं होगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इनटू 180/π। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स 90, 180 को तुमने कहां छोड़ दिया, तो क्या आ गया 90 डिग्री। ठीक है, फोर्थ में देखो यहां से मल्टीप्लाई करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कितने टाइम्स कैंसिल होगा, 2, 3 और ये 15, कितना हो जाएगा 75 डिग्री। फोर्थ का देखो, फोर्थ में कितना आएगा 75 डिग्री। चेक करो, चेक करो कितना था, ये 12 था। देखो 75 डिग्री आ रहा है क्या, फोर्थ का 75 डिग्री। फिफ्थ में क्या लिखेंगे, फिफ्थ में क्या लिखेंगे, फिफ्थ में क्या लिखेंगे, फिफ्थ में आपका हो जाएगा 30 डिग्री। चेक करो 60 डिग्री है ना, और इसमें क्या करेंगे 2π/5 इंटू हफीजुल। ठीक है, आगे करो, अब आगे कंप्लीट करो 180/π, तो ये कैंसिल हो गया। ये कितने टाइम्स जाएगा, 5, 3 और 6 है ना, तो ये कितना हो गया 72 डिग्री। चेक करके बताओ, देखो बाकी सारा आंसर मैंने लिखा हुआ है, चेक करो। ठीक है, अब इसी में एक और क्वेश्चन मैं कर रहा हूं आपको, आप इस वाले एग्जाम्पल को बस देखो कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, बाकी सारा सबका सॉल्व हो गया। देखो अप टू 7 तक मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, कन्वर्ट कन्वर्ट इनटू रेडियन, और कन्वर्ट 5 डिग्री, 5 डिग्री सॉरी, कन्वर्ट 5 रेडियन, कन्वर्ट 5 रेडियन इंटू डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड। ठीक है, आपका समझ में आ गया। अब ये एग्जाम्पल देखो, बाकी आप लोग कंप्लीट कर लेना बाद में घर पे, जिसका नहीं हुआ है, बाकी आपको प्रोसेस पता है कि क्या करना है ना। इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले क्वेश्चन में बोला है कन्वर्ट 5 रेडियन इंटू डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड है ना। 5 रेडियन को हमें डिग्री मिनट्स और सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो पहले तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि डिग्री मिनट सेकेंड में जाने के लिए पहले हमें कहां पर जाना पड़ेगा, डिग्री में जाना पड़ेगा है ना। आपको ऑर्डर याद है, पहले क्या होगा, पहले क्या होता है सेकेंड होता है, फिर सेकेंड से हम मिनट में जाते हैं है ना, मिनट से हम डिग्री में जाते हैं, और डिग्री से हम रेडियन में जाते हैं है ना। अब ये हमें क्या बोल रहा है कि ये हमें बोल रहा है कि मैं तुम्हें डिग्री ही दे रहा हूं है, सॉरी मैं तुम्हें रेडियन ही दे रहा हूं। अब मुझे यहां से इस तरफ मूव करना है ना, तो इसी ऑर्डर में मूव करेंगे, पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे है ना, यहां से फिर मिनट्स में जाएंगे और यहां से फिर सेकेंड्स में जाएंगे। ठीक है, तो देखो 5 रेडियन है, तो पहले हमें 5 रेडियन को क्या करना होगा, 5 रेडियन को मैं पहले डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो क्या करना होगा 5 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, पाई बाई 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबको समझ में आ रहा है 180 डिग्री/π है ना। तो ये कंप्लीट हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया है ना। अब मैं यहां पे इस पाई की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, तो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, देखो
पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको ये पुट करना है 22/7, अगर कहीं पे भी जरूरत पड़े तो, आपने पहले भी ये चीज किया होगा, ठीक है। तो यहां पे देखो मैं 22/7 पुट कर रहा हूं, तो ये कितना हो गया, पाई इन 5 × 180 × 22 × 7, ठीक है। ये देखो कंप्लीट हमारा पैसा आ गया, देखो कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है, कितने टाइम्स गया, ये इस टाइप से हो गया, ठीक है। और ये कैलकुलेट हो गया कितना दे देगा आपको, ये 63 और ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना दे देगा, 5 और 31। तो ऊपर में देखो हमारे पास कितना आ गया, 315/11। तो ये कंप्लीट हमारा क्या हो गया, डिग्री में हो गया, है ना। अब देखो डिग्री वाला टर्म एक्चुअली में क्या हो रहा है, डिग्री वाला टर्म आपका फ्रैक्शन में आ रहा है ना। तो फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि कुछ पार्ट इसका डिग्री होगा और बाकी जो रिमाइंडर वाला पार्ट होगा वो किस में चला जाएगा, मिनट या सेकंड में जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि 315/0 को आपको क्या करना है, 11 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करो, 11 से डिवाइड करो, तो 11 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, देखो 2 टाइम्स लगेगा, ये कितना हो गया, डिवाइड करना आपको आता है 9 और ये 0 हो गया और ये 5 नीचे आ गया, फिर कितने टाइम्स लगेगा, 9 टाइम्स लगेगा, 8 टाइम्स लगेगा, है ना। तो ये 8 टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स और ये कितना हो गया, 88, यहां पे कितना आ जाएगा, 7, है ना। और फिर कितने टाइम्स लगेगा, 6 टाइम्स, तो ये 66 और ये 4 हो गया, है ना। इसका मतलब देखो कि अगर आप 350 को अगर 11 से डिवाइड करोगे तो एग्जैक्टली आपके पास कोशेंट कितना आ रहा है, 286। इसका मतलब ये 286 क्या है आपके पास, 286 हमारे पास क्या है, डिग्री है, है ना। 286 हमारे पास क्या है, डिग्री है। और ये 4 भी क्या है, 4 भी हमारे पास डिग्री ही है, लेकिन ये 4 एक्चुअली में हमारे पास रिमाइंडर बचा हुआ है कि नहीं। तो इसको आप क्या लिख पाओगे, देखो अगर आपको इसको फ्रैक्शन में लिखना अगर आता है तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि नहीं, डिवाइडेड बाय 286 × 4/11, है ना। बस मैंने डिवीजन वाला पार्ट यूज किया, क्लियर है। इसका मतलब इतना पार्ट क्या है हमारा, एग्जैक्टली डिग्री में है, तो इसको तो मैं अलग कर ले रहा हूं, 286 डिग्री, और बाकी कितना बच गया, ये 14/11 डिग्री। देखो ये 4/11 क्या है, 1 से कम है, तो 1 से कम है तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो 4/11 डिग्री को अगर आप मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो किस में क्या करना होगा हमें, इसके लिए 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो ये कंप्लीट टर्म अब किस में बन गया, मिनट्स में, और ये वैल्यू कितनी हो गई, 240/11, ये क्या हो गया, मिनट्स हो गया, है ना। अब देखो मिनट से अब हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे, है ना। तो देखो मैं यहां साइड में फिर से डिवाइड कर रहा हूं, 240 को 11 से डिवाइड करो, कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स और 1 टाइम्स, है ना। तो यहां पे देखो 9 बचा, यानी आप अगर इसको इसको हम पहले क्या कर रहे हैं, 286 को इसको मैं पहले मिनट्स में डिवाइड, मिनट्स में लिख रहा हूं, तो ये कितना मिनट्स हो जाएगा, 240/11 मिनट्स। देखो मैंने यही चीज यहां पे लिखा है ना। और देखो इस मिनट्स को मैंने डिवाइड किया तो इसमें एग्जैक्टली 21 मिनट्स आ रहा है ना। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 286 डिग्री और कितना मिनट्स आ रहा है, 21 मिनट्स, है ना। तो इसी को अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो कितना लिख सकते हो, 25 × 11/9 मिनट्स, है ना। और इसको जब आप अलग अलग करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 286 डिग्री और ये देखो 21 मिनट्स हमारे पास एग्जैक्टली आ चुका है, और कितना बच गया, 9/11 मिनट्स बच गया। 9/11 देखो फिर से क्या है, 1 से कम है, है ना। तो अगर ये 1 से कम है तो हमें क्या करना होगा, इसको फिर से हम इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर से क्या करना होगा, 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो गया, सेकेंड में कन्वर्ट हो गया, तो ये कितना हो गया, 440/11 सेकेंड, है ना। और इसको आप कन्वर्ट करके डायरेक्टली अब हम इससे कम में नहीं जा रहे, ठीक है, सेकेंड से कम में नहीं जाना, मिनिमम हमें सेकेंड तक जाना है। तो ये कितने टाइम्स लगेगा, 4 टाइम्स लग रहा है और ये 9, है ना। तो कितना बच गया, ये इस टाइप से, यानी एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, 49। तो इसको आप किस में लिख सकते हो, इसको जब आप सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो गया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 49 मिनट्स, क्लियर है। तो 5 रेडियन जो था आपका,
5 रेडियन किस कितने कितने डिग्री कितने मिनट कितने सेकंड के इक्वल हुआ? सबको क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है कितने डिग्री कितने मिनट कितने सेकंड के इक्वल है? कैसे कन्वर्ट किया? किसी को कोई डाउट इस वाले पार्ट में बताओ, किसी को कोई डाउट कि कैसे मैंने डिग्री रेडियन से डिग्री मिनट्स और सेकंड में गए? ठीक है, कैसे कन्वर्जन किया समझ में आ गया? किसी को डाउट है यहां तक बताओ, किसी को डाउट है इस वाले पार्ट में? इस वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट है? एक और एग्जांपल मैं ले ले रहा हूं, इस वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट है बताओ जल्दी से। सबको समझ में आ गया कि कैसे मैंने कन्वर्ट किया, कैसे मैंने डिग्री से रेडियन में और इसमें कन्वर्ट करके पहुंचे हैं? क्लियर है? ठीक है, एग्जाम्पल में देखना, एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन इस तरीके से किया हुआ है, 6 रेडियन को उसने कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो इस टाइप से कोई भी रेडियन दे सकता है, बस हमें उसे कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए किसी भी तरीके से, है ना? तो कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। जो एक्सरसाइज है आपका, है ना, उसके पहले एग्जाम्पल्स कुछ 4-5 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो सारे एग्जाम्पल्स भी आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहां तक आप बाकी आप क्वेश्चन करना, फिर नहीं होता तो हम आगे इसी क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वहां से भी आप सॉल्यूशन वहां पे है तो उसको आप सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, तो यहां तक अभी हम लोग आपको समझ में आया कि डिग्री से रेडियन या रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ज करना है। ठीक है, तो अभी तक हमने बेसिकली क्या सीखा कि एंगल का मेजरमेंट कैसे होता है और उसका आपस में कन्वर्जन किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो बस इसी दो बेसिस पे हमने ये चीज कंप्लीट किया है। इसके बाद, यहां के बाद आपका जो होमवर्क है अभी के लिए, वो आपको एक्सरसाइज 3.1 आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, 3.1 कंप्लीट करना, और जो आपका प्रैक्टिस शीट है, प्रैक्टिस शीट में 5 क्वेश्चन कर लो, 20 तक हो चुका है, 21 to 25। ठीक है, 5 क्वेश्चन इसका मैं दे रहा हूं ताकि धीरे धीरे आप इसको कंप्लीट करते रहो। ठीक है, तो प्रैक्टिस शीट के आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 20 तक कंप्लीट हो चुका है, अप टू 25 तक कोई डाउट हो तो उसको करना, लेकिन एक्सरसाइज 3.1 आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, 7-8 क्वेश्चन है, सब में बस इसी टाइप के क्वेश्चन है कि कैसे हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं और रेडियन से डिग्री में कैसे जा रहे हैं, है ना? और बाकी जो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तो उससे आप रेफरेंस लेके सॉल्व कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट आता है तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करो, फिर हम लोग इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, है ना? तो ये सब क्वेश्चन आप कंप्लीट करो, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलो बाय।